नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया के ज्योतिष संस्थान टीम में आपका एक बार और स्वागत है। दोस्तों, आज से हमने कुछ समय पहले ज्योतिष संस्थान की टीम ने नामों से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी थी। नामों से संबंधित जानकारियों की अगर आप जानकारी और देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नाम से संबंधित और तरह की जानकारियाँ मिल सकती हैं, जिसमें हमने कई मुख्य नाम रखे थे जो कि आज के टाइम में काफ़ी विख्यात हैं। अभिषेक, अजय, संजय, प्रिया, सोनिया और भी कई नाम थे जिनसे संबंधित हमने हमारी जो ज्योतिष संस्थान की टीम है उन्होंने उनकी जानकारी दी थी। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाम का मुख्य रूप से हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। मेरे को लोग ज़्यादातर मीडिया सर के नाम से जानते हैं और मैं हमारा काफ़ी तरह के काम है, लेकिन मेरे को हमको हमारी जो टीम है उसको ज्योतिष की काफ़ी अच्छी नॉलेज है और हमने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी अनुभव किया है, जिससे हमने पाया है कि अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो उसको हम देखते ही उसके चेहरे से, उसकी आँखों से ही उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी बता सकते हैं। उसकी हस्त रेखा से, मस्तक रेखा से, उसके बोलचाल से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके बोलने के तरीके से हम बता सकते हैं कि उसका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अनुभव चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इसको सब्र रखना पड़ता है और चीज़ों को बहुत रिसर्च करना होता है। तो कई बार लोगों ने हमसे पूछा है कि नाम से संबंधित कोई जानकारी दे दे, ऐसा थोड़ी होता है। नाम तो दुनिया में लाखों करोड़ों हैं, सबके एक जैसे नाम होते हैं, कि नाम से किसी का भविष्य बताया जा सकता है? जी हाँ, नाम से भविष्य बताया जा सकता है। नाम हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। आज हम जो नाम लेके आएंगे, आज हम प्रदीप नाम पे वीडियो बनाएंगे। अभी मैं और भी नामों पे वीडियो बनाऊंगा, इसके आगे मैं सुरेंद्र नाम पे वीडियो बनाऊंगा, आज हम प्रदीप नाम पे वीडियो बनाएंगे। आपसे मैं 2 मिनट का समय लूंगा क्योंकि आपको यह जानकारी देना बहुत जरूरी है। देखिए, नाम हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। कई आपने देखे होंगे नामों के आगे अक्षर चेंज कर लेते हैं, वर्ड चेंज कर लेते हैं। कई लोग आपने मूलांक सुना होगा कि लोगों के जो अंक होता है उससे भी उनके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। उससे संबंधित भी हम आपको जानकारी देंगे। हमारी ज्योतिष संस्थान टीम में हम लोगों को हमको जन्म कुंडली या आपके वास्तुशास्त्र या आपके हस्त रेखा, मस्तक रेखा, आपकी फेस रीडिंग, आपकी वॉइस रीडिंग, आपकी किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या होती है, किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उसका हम आपको 99.9% सही जवाब देने का आपको हम पूरा प्रयास करते हैं। हमारे पास में ना किसी तरह का कोई धोखाधड़ी या किसी भी तरह का कोई चीटिंग वाला केस नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम प्रदीप नाम के व्यक्ति के बारे में आज हम कुछ मुख्य जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके बचपन का समय, उनके युवा पीढ़ी का समय और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, उनका दिमाग, उनकी फैमिली, उनका उनकी वाइफ, उनके ससुराल पक्ष, उनका माइंड सर्कल, उनके फ्रेंड्स, उनका बुढ़ापे का समय, उनके व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, इन संबंधित के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। नाम से संबंधित हमने आपको बताया कि नाम बहुत जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, हमारे जीवन को, स्वभाव को, हमारे जीवन को प्रेरित करता है और हमारे जीवन में जो चलना होता है उसके ऊपर भी नाम का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं एक प्रदीप नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनका जन्म किस परिवार में होता है। देखिए, प्रदीप नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो जन्म होता है वो एक अच्छे परिवार में होता है। उनके पिता का समाज में काफ़ी अच्छा नाम रहता है और उनके पिता के पास संपत्ति तो होती है, लेकिन वो लोगों को ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। इसलिए कह सकते हैं कि प्रदीप नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनका काफ़ी अच्छे परिवार में जन्म होता है और समाज में उनके पिता का नाम होता है, तो इस वजह से उनका जो बचपन का समय प्रदीप नाम का बीतता है वो नॉर्मली बीतता है। इसमें हम कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि हम आपको किसी भी तरह से आपका समय व्यर्थ कराएं। दूसरी बात आ जाती है कि उनकी शिक्षा की बात करें तो प्रदीप नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो माइंड के बहुत तेज होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बोलचाल में तेज होते हैं, हर तरीके से तेज होते हैं, खेल कूद हो या किसी बात में हो, हर तरीके से वो तेज होते हैं। लोगों के बीच में मिलना जुलना, बैठना बहुत तेज होते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई तो वो करते हैं,
लेकिन अगर देखो उनको अगर सपोर्ट ना मिला हो, अगर उनको अच्छा सपोर्ट ना मिला हो तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन अगर उनको अच्छा सपोर्ट मिलता है तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करते हैं और काफ़ी आगे तक भी पढ़ाई लिखाई में जाते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई के बाद में अगर नौकरी की बात करें तो वो अपनी पढ़ाई को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना उन्होंने पढ़ी पढ़ाई को किया होता है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ, अगर मुझे कोई चीज़ पता है लेकिन मैं उसको इतना महत्व नहीं दे रहा हूँ, अगर उसको इतना तरीके से नहीं समझ रहा हूँ तो मैं उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानूंगा। तो वही चीज़ उनके साथ में होती है, वो अपनी पढ़ाई को नहीं, उनको जो पता है कि मुझे भैया जो पता है मेरी इतनी अच्छी लेवल है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जाते हैं। शायद हो सकता है उनके परिवार की बात हो या किसी भी तरह की बात हो, वो उस आगे तक नहीं जाते हैं और माइंड सर्कल उनका काफ़ी अच्छा होता है। अगर उनके फ्रेंड्स लड़के की बात करें तो प्रदीप नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनके फ्रेंड्स काफ़ी होते हैं, काफ़ी मजाकिया होते हैं और उनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होता है। और वो जो फ्रेंड्स रखते हैं, जो अपने दोस्त रखते हैं, हमेशा वो दोस्त रखते हैं जो उनके काम आ सकें। मतलब एक तो होता है कि फालतू किसी को भी दोस्त बना लेना, लेकिन एक होता है कि मतलब ही मतलब कि एक काम करने वाला, एक बिजनेस, मतलब जो सलाह दे सके, जो बराबर बैठ सके, ऐसे दोस्त बनाना। तो प्रदीप नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे दोस्त बनाते हैं जिनके काम आ सके या जो उनके बराबर बैठ सके, ऐसे दोस्तों को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात आ जाती है उनके माइंड सर्किल की बात, कि माइंड उनका जो बहुत तेज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो कई तरह के विचार लाते हैं, कई तरह के थॉट्स लाते हैं और उनका दिमाग जो होता है वो कई चीज़ों में बैठा रहता है। मतलब उनको कई तरह के अनुभवों का उनको उनको उनके अंदर कई तरह के टैलेंट भी उनके अंदर रहते हैं, उनको कई तरह के अनुभव भी रहता है, चाहे खेल कूद हो या किसी भी विभाग में हो, वो हर विभाग को, हर डिपार्टमेंट को वो बहुत अच्छे से पूर्ण कर लेते हैं। और उनसे कई लोग उनसे सलाह भी लेते हैं, कई ऐसे लोग काम भी करवाते हैं जो कई लोगों से नहीं होते हैं, वो प्रदीप नाम के व्यक्ति से काम करवाते हैं। और जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लाइफ में बहुत बड़ा कर जाते हैं, अगर वो लाइफ को बहुत सीरियस लें तो लाइफ में बहुत बड़ा कर जाते हैं, इतना नाम करते हैं कि उनके 7 पीढ़ी तक बैठ के खा सके। लेकिन अगर वो सीरियस नहीं होते हैं लाइफ में तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वो चाहें तो बहुत नाम कमा सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा फैमिली या किसी की वजह से करें तो वो थोड़ा लाइफ में पीछे हो जाता है, फिर वो थोड़ा अपना घर गुजारा अपना जो भी वो करते हैं। दूसरी बात आ जाती है उनकी वाइफ की बात, पत्नी की बात। जो उनकी पत्नी होती है बहुत ही जो उनकी वाइफ के जो रिलेशन होता है वो ठीक होता है, ज़्यादा ना अच्छा होता है ना ज़्यादा बेकार होता है, ना ज़्यादा लड़ाई होती है ना ज़्यादा प्यार होता है, दोनों ही बातें रहती हैं। वो मतलब थोड़ा सा रखते हैं, मतलब हाँ वाइफ है थोड़ा मतलब रखना चाहिए, इतना मतलब रखते हैं, ना ज़्यादा घुलते हैं ना ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात उनके जो वाइफ जो होती है वो थोड़ा परिवार को चलाने वाली होती है, सुझारू होती है और परिवार को बहुत इकट्ठा करके और बहुत परिवार को समेट के चलाने वाली होती है। और उनकी वाइफ इतनी अच्छी होती है कि वो परिवार पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, उनकी जो पत्नी होती है वही पूरे परिवार को संभाल के रखती है। और इनके बारे में और बात करेंगे इनके स्वभाव के बारे में, तो उनका जो स्वभाव होता है बहुत ही मजाकिया, बहुत ही अच्छा स्वभाव होता है, लोगों के साथ में बहुत घुलना मिलना बैठना बहुत उनको अच्छा लगता है। आप अगर उनके सामने जाते हैं तो अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई गुंडा या कोई डॉन टाइप का, मतलब इससे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप उनके सामने जाएंगे, जब आप उनके पास में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपसे बहुत घुल मिल के बहुत अच्छे तरीके से, इतने प्यार से, इतने सरल तरीके से बात करेंगे कि आपका कब मन नहीं करेगा कि आप उनके पास से उठ के जाएँ। और दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फिर बाद में कहेंगे कि सर ने इतनी बड़ी वीडियो बना दी। और इनसे संबंधित और बात करें, हाँ इनकी नौकरी और व्यापार के संबंधित बात करें तो देखिए जो प्रदीप नाम के जो व्यक्ति होते हैं, मैं इनको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप व्यापार में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप कुंडली में, आप कुंडली थोड़ा दिखवाएं, कुंडली में अगर आपका बृहस्पति या जो आप जिस संबंधित आप जो व्यापार कर रहे हैं उसका जो ग्रह है वो उच्च जाओ, आप देख भी सकते हैं अगर आपके पंडित या नहीं है, आप कुंडली में कोई भी देखें तो उसके आगे एक अंश लिखा होता है, ग्रह के आगे एक अंश लिखा होता है। अंश अगर कम है, मतलब 1 से लेकर 30 तक रहता है, अगर अंश कम है तो वो ग्रह थोड़ा कमजोर हो जाता है, अगर वो अंश ज़्यादा है तो वो ग्रह थोड़ा स्ट्रांग रहता है। तो इन ग्रहों को भी देखते हुए आप व्यापार में हाथ अपना
लगा सकते हैं, आप बांट सकते हैं, लेकिन नौकरी में आप जाते हैं तो नौकरी आपको इतनी खासी अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल पाती है। व्यापार भी आप कई तरह के व्यापार करते हैं, और हाँ एक और मुख्य बात और दूसरी कि आपको किसी भी तरह की कोई शर्म या आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कोई व्यापार करने में किसी भी तरह का। अगर आपसे कोई कहे कि भैया एक काम करो अब ये व्यापार कर लो, और आप बिल्कुल झटापट से कर लोगे, अब ये ना सोचोगे कि इसको कैसा लगेगा, इसको कैसा लगेगा, अरे ये कहेगा अरे भाई भैया भाई ऐसा प्रदीप भाई ऐसा काम कर रहा है, आपको बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं लगती। आपको सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ूं। हाँ प्रदीप भाई को प्रदीप भैया जो प्रदीप भाई होते हैं उनको थोड़ा खाना पीना पसंद होता है, देखिए आज की लाइफ है तो खाना पीना थोड़ा सा रहता है, लेकिन वो इतना भी खाना पीना नहीं करते, ना ही ये इतनी गलत रैप में जाते हैं या गलत बातों में जाते हैं। अगर उनकी संगति बेकार हो तो वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन इतने वो समझदार होते हैं और इतना सरल होते हैं कि वो अच्छा और सही गलत वो जानते हैं। और इनके संबंधित अगर हम इनके परिवार की बात करें तो इनका जो परिवार होता है वो भी काफ़ी ठीक होता है, इतना सपोर्ट नहीं करता है। जो इनकी फैमिली होती है प्रदीप टाम की, जो उनकी फैमिली होती है वो इतनी सपोर्ट नहीं करती है। वो मानती है, कहती है, बोलती है, खा लेगी पी लेगी, आपसे पैसा ले लेगी, लेकिन आपको इतना सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन आपको जो सपोर्ट करने वाला सबसे मेन जो व्यक्ति होता है वो होते आप और आपके पिताजी। आपके पिताजी और आप दोनों आप एक दूसरे का सपोर्टेबल होते हैं और आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। और सेकंड चीज़ आपके बुढ़ापे की बात करें तो बुढ़ापा आपका ठीक जाता है, इतना अच्छा खासा नहीं जाता है, नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो। और हाँ दूसरी बात आपकी सबसे मेन चीज़ कि लाइफ, देखिए मैं प्रदीप नाम के व्यक्ति को यही कहना चाहूँगा, लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करती है, जीवन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। अगर आप बेटर बनते हैं, बेटर कोशिश करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, बिजनेस की तरफ ध्यान लगाते हैं, या आप एक अच्छी संगति बनाते हैं, तो आप बहुत अच्छे आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे अपने रहने की कोशिश करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, जो कि आपके, क्योंकि वो आपके भाग्य, अगर आप पीछे रहना चाहते हैं तो वो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो दोस्तों आज हमने प्रदीप नाम से संबंधित कुछ जानकारी ली है, और कुछ जानकारी अगर आपको लगा है कि हमने कोई ऐसी जानकारी है जो हमने नहीं दे पाए हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उसके बारे में आपको बता देंगे। और हम डिस्क्रिप्शन में आप एक पोस्ट भी डालने की कोशिश करेंगे जिसमें हम प्रदीप नाम से जो संबंधित जानकारियाँ हैं हम उसमें दे सकें। अगर आपको हमारी कोई बात भी गलत लगी हो तो आप हमें बताएं, अगर आपको कोई बात अगर पूछनी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उससे संबंधित भी हमने बताया हुआ है। और हमारी अगर कोई, और हम यही चाहते हैं कि प्रदीप नाम के जो व्यक्ति हैं वो आगे बढ़े और अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बनाए। नमस्कार।